नमस्कार साथियों, आप सब लोगों से गुजारिश है कि 2 तारीख को ठीक 10:30 बजे आप लोगों ने IYC कार्यालय पर और 11 बजे आप सबको जंतर मंतर पहुंचना है। इस बार भी पहले की तरह हमने इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करना है। आम जनता की, नौजवानों की, देश के गरीबों की, दलितों की, व्यापारियों की लड़ाई लड़नी। जो देश में चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप लोगों की जरूरत है कि आप लोग दिल्ली में आए और इस सरकार को जगाने का काम करें। पहले भी बहुत बार आप लोगों के बलबूते पे, आप लोगों के साथ से मैंने लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है, लोगों की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है, कांग्रेस को मजबूत करने का आप लोगों ने प्रयास किया है। इस बार भी पूर्ण उम्मीद है। मेरे को पता है कि तमाम तकलीफों के और आपको अपने काम काज छोड़कर आना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में जब किसी के लिए लड़ना होता है, जब किसी के लिए कुछ करना होता है, तो अपने काम काज, अपने समय छोड़ना पड़ता है। तो जब कभी भी किसी ने कुछ किया है या पाया है, वो इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने दूसरों की लड़ाई लड़ी, लोगों की लड़ाई। तो हम लोगों ने भी आज इस देश के नौजवानों की, गरीबों की, किसानों की, दुकानदारों की, दलित लोगों की लड़ाई लड़नी। मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अपने कामकाज और अपने समय से समय निकालकर आप सब लोग 2 तारीख को पार्लियामेंट घेराव में पहुंचेंगे, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपके बलबूते पर ही मैं लड़ाई लड़ सकता हूं। हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं, हम सब लोग मिलकर इस सरकार से लोहा ले सकते हैं। अगर आपका साथ बना रहेगा तो मैं इसी तरीके से निरंतर हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। और मेरी आप सबको गुजारिश है, नौजवान भाइयों, चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, मेरे को पूर्ण उम्मीद है, राहुल गांधी जी को पूर्ण उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी को पूरे उम्मीद है कि जब जब इस देश के लोगों को जरूरत पड़ेगी, तब तक यूथ कांग्रेस के नौजवान साथी इस देश के लोगों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार पर तैयार रहेंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा 2 तारीख को ठीक 10:30 बजे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के कार्यालय पर, या 11 बजे जंतर मंतर। तो इकट्ठे लड़ाई लड़ने चलेंगे और लड़ाई लड़ने में सबसे आगे आपका ये भाई रहेगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे और पहुंचेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।